नमस्कार साथियों, इम्पोर्टेंट नोटिस एक तरह से मान सकते हैं भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात होने वाली है आप लोगों के लिए। जो लोग चाहे आप पाकिस्तान, चाहे आप इंडिया, चाहे आप बांग्लादेश, नेपाल, कहीं से भी हो, यूएई, दुबई आ रहे हैं, तो बुधवार से, जी हाँ साथियों, बुधवार पे एक वाक्य ऐसा घटना घटी एक तरह से जो शॉकिंग न्यूज़ देने वाली है। आज तक ऐसी घटना कभी नहीं घटी, लेकिन ये हो गई COVID-19 की वजह से। जी हाँ, हम बात करेंगे कि पाकिस्तान से 304 लोगों को एक PIA फ्लाइट लेके उतरी दुबई में। जी हाँ, उनमें से लगभग 300 लोगों को रोक लिया गया। अल खलीज में संख्या बताई, जो यात्री हैं उनकी 300 संख्या बताई गई है, और जो दूसरा एक अखबार है यूएई न्यूज़, उसमें बताया गया 180 लोगों को रोक लिया गया। दोनों में अलग अलग है, तो हो सकता है कुछ को निकाला होगा। डिटेल से बात करेंगे, एयरपोर्ट पर रोका क्यों, क्या रीज़न है, क्या उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया गया, क्या रीज़न हो सकते हैं, पूरी डिटेल से देखिए। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप यूएई आना चाहते हैं यहाँ पर, तो आपको इन कुछ नियमों का पालन करना होगा। अगर आप नहीं करोगे तो भाई आपको दुबई एयरपोर्ट से रिटर्न होना पड़ सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, फेसबुक पेज वाले पे पेज को फॉलो कर लें, ताकि आपको गल्फ कंट्री से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बता दूं, यही से अब फ्लाइट आई, लगभग 304 यात्री एक फ्लाइट में बताए गए हैं। हालांकि इतने यात्री मेरे हिसाब से होते नहीं है यार, लगभग हो सकता है दो फ्लाइटें आई होंगी। गल्फ में जो फ्लाइटें आती हैं लगभग 170 के करीब इसमें यात्री होते हैं, लेकिन इसमें 304 यात्री दिखाए गए हैं, हो सकता है दो फ्लाइटें होंगी। उसमें हुआ क्या कि जैसे 304 यात्री या जितने भी यात्री थे, यात्रियों की नोट यहाँ पे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लोग इमिग्रेशन पे आए उनका जैसे कोविड टेस्ट होना वगैरह वगैरह, तो उनको रोक लिया गया। जी हाँ साथी, उनको रोकने का रीज़न क्या था, रोकना भी कोई दो चार बंदे नहीं थे भैया, एक में 180 बंदों को बताया, दूसरी न्यूज़ में 300 बंदों को बताया, लेकिन बंदे कितने भी वो बंदे थे, उनको इस वजह से रोका गया कि उनके पास दुबई एयरपोर्ट क्रॉस करने के लिए, जो आप दुबई आ रहे हो तो वीज़ा तो आपके पास विजिट का है, और लगभग मैं पाकिस्तान वाले लोगों की अगर बात करूं तो लगभग 1 मंथ के वीज़ा पे वो लोग आते हैं, क्योंकि 1 मंथ का वीज़ा भी उनके लिए तो भाई महंगा ही है, लगभग 20,000 का वीज़ा पड़ जाता है वो, तो एक तरह से महंगा 20 से भी ज़्यादा पड़ जाता है, तो महंगा हो गया ना। तो वो वीज़ा लेके दुबई एयरपोर्ट पहुँचे, लगभग 200-250-300 जो भी लोग थे उनको सबको रोक लिया गया, उनकी से शो मनी चेक की गई। शो मनी मतलब समझते हैं, आप विजिट वीज़ा में आ रहे हैं तो आपके पास यहाँ जितने दिन रुकते हो आपके पास पैसा होना ज़रूरी है, आप सर्वाइव कैसे करोगे, कैसे रहोगे, कहाँ खाना खाओगे, कैसे घूमोगे, क्योंकि विजिट में आ रहे हो आप, तो वो तो आपको माइंड सेट है कि हमें एजेंट ने बुलाया है, वो जाके हमारा जॉब लगवाएंगे, वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा, वो तो आपको पता है, लेकिन सिस्टम को नहीं पता, इमिग्रेशन को नहीं पता, इसके लिए उनको रोका गया। तो उनके पास बता दूं वीज़ा था, टिकट थी, COVID-19 रिपोर्ट आपको पता है सबका, ये तो होना ही होना है, लेकिन ख़ास तौर से बता दूं क्या नहीं था, उनके पास पैसा नहीं था, शो मनी जिसको बोल सकते हैं वो नहीं था, उनके पास रिटर्न टिकट नहीं थी, उनके पास होटल बुकिंग नहीं थी, वो उनके पास वो कहाँ जाने वाले थे वो नहीं बता पाए। ये तो जिन्होंने जिनको उन्होंने बुलाया है ये तो 100% मैं गलती उनके मानूंगा, ये तो तय बात है कि ब्लू कॉलर, साफ साफ इसमें लिखा है कि ब्लू कॉलर यानी मजदूर टाइप के लोग थे, ये तो है कि वो घूमने तो नहीं आए इतनी मेहनत करके। और आपको पता है दुबई की कितनी महंगा टिकट महंगी है, पाकिस्तान से दुबई के लिए महंगी टिकट पड़ती है, कितना पैसा लगता है, तो उनको एजेंटों ने बुलाया। ये तो एजेंटों की सोचना चाहिए कि उनको होटल बुकिंग देनी चाहिए। मैं भी भाई आया था तो होटल बुकिंग मैंने बाकायदा करवाई थी, होटल बुकिंग करवाई, ठीक है, शो मनी भी मेरे पास थी, मुझे लगा कि बाय चांस पूछ ले, नहीं पूछे उनकी मर्जी है, लेकिन पूछ सकते हैं, इमिग्रेशन को कौन चैलेंज करें, विजिट वीजा में आ रहे हैं यहाँ पे घूमने के लिए तो पैसा तो होगा ना, स्वाभाविक सी बात है, तो पैसा मैं लेके आया था। लेकिन पाकिस्तान वाले जो एयरपोर्ट जो बंदे पहुंचे, किसी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था, इस वजह से उनको एयरपोर्ट पे स्टॉप कर लिया गया कि भाई आप इधर बैठ जाइए। फिर ये रात को अनाउंस हुआ, पाकिस्तानी जो एम्बेसी है उनके अधिकारी वहाँ पहुँचे, उनसे बातचीत हुई, तो उनको ये आगे से गाइडलाइन जारी की गई कि आदमी एयरपोर्ट पे आने वाले प्रत्येक बंदे के पास 2000 दुबई दराम होना चाहिए। जी हाँ साथियों, अब आप समझे 2000 दुबई दराम पाकिस्तान का 1 लाख रुपये बनता है, क्या पाकिस्तानी बंदा 1 लाख रुपये लेके आएगा यहाँ पर, थोड़ा सा सोचने की बात है, क्योंकि गरीब आदमी के पास इतना पैसा कहाँ से होता है यार, वो तो एजेंटों को दे चुके होते हैं, कैसे भी कर कर के यहाँ पे आते हैं। इंडियन बंदे भी अगर आप आते हैं तो भैया ये एक दो एजेंटों के मैसेज भी मेरे पास आए थे, तो मैंने देखा यार ये क्या है, हमें दो बार तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ऐसा कभी नौबत आई नहीं कि शो मनी चेक करें,
2 अक्टूबर को मैं आया था तो मुझसे कोई किसी ने मेरे साथ वालों से किसी ने ही नहीं पूछा, ये नहीं कि मेरे से ही दिखाओ, किसी भी बंदे से शो मनी नहीं मांगी गई, पाकिस्तानी लोगों से शो मनी मांगी गई है। इसका रीज़न क्या, अभी तक ये बात खुल के नहीं आई है कि आपको सबको लेके आनी है। ये भी कोई, हालांकि मेरे पास कोई इसका न्यूज़ नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक तरह से ये ऐलान एजेंटों की तरफ से किया जा रहा है कि आप अगर दुबई जाते हो तो 2000 दुबई दराम साथ में लेके आपको जाना होगा। आप कहाँ रुकते हो ये 100% आपको बताना होगा, आपको मोबाइल नंबर, आपको होटल बुकिंग, आपका रिटर्न टिकट भी आपके पास होना चाहिए। अभी दुबई पाकिस्तान में तो आदेश दे दिया गया यहाँ की एम्बेसी के द्वारा, वहीं पर कहाँ पे, पाकिस्तान में बोर्डिंग में, कि भाई जिसके पास 2000 दुबई दराम हो वो ही बोर्डिंग पास उसको होने दिया जाए, बाकी अगर नहीं है 2000 दराम तो वहीं उसको स्टॉप कर लिया जाए पाकिस्तान में। क्योंकि यहाँ आने के बाद लफड़ा होता है यार, 300 बंदों को एयरपोर्ट पर रखना कोई छोटी बात है। अब उनके पास पैसा नहीं है तो एक न्यूज़ में ये आया कि उनको वापस भेज दिया जाएगा। अब भेजा कि नहीं भेजा, ये शायद दोबारा कोई रिपोर्ट आएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसकी कोई अभी तक आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई कि इंडियन लोगों को 2000 रुपये साथ में लेके आने हैं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं उसमें यह बताया गया कि अगर आपके पास 3 महीने का वीज़ा है तो लेके नहीं आने, क्योंकि रिटर्न टिकट 1 मंथ का वीज़ा होता है उनके पास मांग लेते हैं, लेकिन 3 मंथ वाले भी टिकट रिटर्न साथ में लेके आते हैं, कई लोग लेके आते हैं कई लोग नहीं लेके आते हैं, लेकिन वो उनकी मर्जी पे डिपेंड होता है, भाई मांग लेते हैं। अगर अन वक्त पे नहीं है तो दिक्कत खड़ी हो सकती है, डमी टिकट बनाओगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। भाई डमी टिकट बिल्कुल मत बनाना, क्योंकि वो टिकट चेक करते हैं, मेरी टिकट भी सिस्टम में डाल के उन्होंने चेक करी, तो इन बातों का ध्यान रखना होगा। बाकी जैसे ही कोई नई अपडेट आती है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे।